तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेसी। फ्रेंड, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से बात करने वाले हैं। फ्रेंड, इस टॉपिक का जो नाम है वो द बाई इंडिया स्टैम्प ऑनलाइन है। फ्रेंड, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन इंडिया स्टैम्प को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड, इसलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन स्टैम्प के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, आप इस स्टैम्प को कैसे कलेक्ट करेंगे और कैसे आप इस स्टैम्प से ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे, ये सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम जान लेते हैं इस स्टैम्प के बारे में। तो फ्रेंड, इस स्टैम्प का जो नाम है द पोस्टेड स्टैम्प ऑन कुंभ मेला है। फ्रेंड, इस स्टैम्प को 2019 में रिलीज किया गया था। 2019 में इस स्टैम्प का जो प्राइस था फ्रेंड, वो सिर्फ 5 रुपीज़ था। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। बट अभी फ्रेंड 2023 में इस स्टैम्प की जो करंट प्राइस है वो 45 रुपीज़ हो गया है। तो फ्रेंड, आप समझ सकते हैं कि आप इस स्टैम्प से कितना अर्निंग कर पाते हैं। अगर आप इस स्टैम्प को 2019 में अगर आप इस स्टैम्प को कलेक्ट किए होते तो अभी आप इस स्टैम्प से 40 रुपीज़ का इसमें अर्निंग कर पाते। तो फ्रेंड, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आप इस स्टैम्प को कलेक्ट करके आप किससे कैसे आप इस स्टैम्प से अर्निंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस स्टैम्प को कैसे कलेक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस स्टैम्प को कब रिलीज किया गया था। तो इसके लिए फ्रेंड, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड, इस स्टैम्प को 2 फरवरी 2019 को रिलीज किया गया था और इसका नाम कुंभ मेला इंडिया स्टैम्प रखा गया था। फ्रेंड, ये स्टैम्प का इमेज है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड, हम जान लेते हैं इस स्टैम्प को क्यों रिलीज किया गया था और किसके द्वारा इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था। तो इसके लिए फ्रेंड, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड, हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड में। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ जिससे बताने वाला हूँ कि इस स्टैम्प को क्यों रिलीज किया गया था और किसके द्वारा इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था। कुंभ मेला इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल। फ्रेंड, जो कुंभ मेला है वो हिंदू का सबसे बड़ा फेस्टिवल यानी पर्व है। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर यानी जो शास्त्रों के अनुसार, 1 ईयर्स ऑफ द अर्थ इज द डे ऑफ द गॉड। फ्रेंड, पृथ्वी का जो 1 ईयर्स डे होता है वो भगवान का होता है। सो वंस एवरी 12th ईयर द कुंभ मेला इज द सेलिब्रेटेड एट द प्लेस वेयर द रिवर मीट। सो इसलिए हरेक 12th ईयर्स पे कुंभ मेले का आयोजित किया जाता है यानी सेलिब्रेट किया जाता है। ये वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे जो रिवर्स होता है वहाँ पे मीट होता है यानी उनका जो मिलन होता है। जैसे फ्रेंड प्रयागराज, उज्जैन, नासिक एंड हरिद्वार। फ्रेंड, इन स्थानों पे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इन स्थानों पे जो रिवर होता है उनका वहाँ पे मिलन होता है। जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना या सरस्वती का वहाँ पे मिलन होता है। सो ऐसे ऐसे स्थानों पे कुंभ मेला का आयोजित किया जाता है। ऑन दिस ओकेशन इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट रिलीज ए इंडिया स्टैम्प। फ्रेंड, 2019 में कुंभ मेला प्रयागराज में एंड उज्जैन में ये सेलिब्रेट किया गया था। ऑन दिस ओकेशन इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि इस स्टैम्प को क्यों रिलीज किया गया था और किसके द्वारा इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड, हम जान लेते हैं इस स्टैम्प को एट्रीब्यूट क्या है। तो इसके लिए फ्रेंड, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड, मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस स्टैम्प का जो कंट्री ओरिजिन है वो इंडिया है। सेट टाइप स्टैम्प है, रिलीज ईयर 2 फरवरी 2019 है, जियोग्राफी वो सिंगल कंट्री है, स्टैम्प कंडीशन है वो न्यू है। फ्रेंड, आप इस न्यू स्टैम्प को अब कैसे आप कलेक्ट कर पाएंगे और कैसे आप इस स्टैम्प से ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड, आप इस स्टैम्प को कलेक्ट करके आप किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी दोस्त को आप ऐसे गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, आप इस स्टैम्प को जरूर कलेक्ट कीजिएगा। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप इस स्टैम्प को कैसे कलेक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपनी गूगल ओपन कर लेनी है। मैं आपको यहाँ पे करके सारी प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड, गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बाई इंडिया स्टैम्प आपको यहाँ पे सर्च करना है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। बस आपको यहाँ पे केवल इंडिया बाई इंडिया स्टैम्प आपको यहाँ पे सर्च करना है। फ्रेंड, जैसे ही आप बाई इंडिया स्टैम्प सर्च कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे बाई इंडिया स्टैम्प फ्लेसी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, flesi.com स्टैम्प, और आपको यहाँ पे फ्लेसी बाई इंडिया स्टैम्प फ्लेसी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे फ्लेसी पे अपनी आपको बाई इंडिया स्टैम्प फ्लेसी पे आपको क्लिक कर देना है। फ्लेसी पे आप क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे स्टैम्प पे हैं यानी आप स्टैम्प कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इसमें स्टैम्प में आना है। उसके बाद आप मिनिएचर शीट कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिएचर शीट में आना है। क्वाइंस या फिर आप FDC आप जो भी कलेक्ट करना चाहते हैं वो आप इस वेबसाइट से यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जिस स्टैम्प के बारे में बता रहा हूँ वो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप सर्च भी कर सकते हैं
आपको मैं यहाँ पे जिस स्टैम्प के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया तो पोस्टेड स्टैम्प ऑन कुंभ मेला, उसके बाद ये स्टैम्प आपको यहाँ पे शो करने लग गए। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे उस पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। और इस स्टैम्प की जो फ्रेंड मैंने आपको करंट प्राइस बताया था कि वो 45 रुपीज़ हो गया है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसकी जो करंट प्राइस है 45 रुपीज़ है। और यहाँ पे इस स्टैम्प का डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। आप जितना क्वांटिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप यहाँ पे शॉपिंग कार्ट में आ जाएंगे। यहाँ से भी क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड टू चेकआउट पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स फिल करनी है। बिलिंग डिटेल्स में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, टाउन, स्ट्रीट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आप यहाँ पे नोट नोट्स में आप जो लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको प्रोसीड टू पेपल पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेपल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ओपन हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट में फ्रेंड आपको यहाँ पे पेपल है, क्रेडिट कार्ड है, आप जिससे भी आप बाई करना चाहते हैं आप इस स्टैम्प को आप उससे कर सकते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है। क्रेडिट कार्ड में आपको कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, कार्ड कोड, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ये फिल करनी है। फिल करने के बाद फ्रेंड आपको प्लेस ऑर्डर पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद ये स्टैम्प आपको ऑर्डर हो जाएगा और हमारी कंपनी आपको इस स्टैम्प को आपके घर तक डिलीवर कर पाएगी। आप इस स्टैम्प को जरूर कलेक्ट कीजिएगा और अपने फेवरेट कलेक्शन में आप इस स्टैम्प को जरूर ऐड कीजिएगा। फ्रेंड मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है कि आप इस स्टैम्प को कैसे कलेक्ट कर पाएंगे और आप इस स्टैम्प को कलेक्ट करके आप कैसे इसे अर्निंग कर पाएंगे। फ्रेंड आप इस स्टैम्प को अगर आप कलेक्ट करते हैं तो आप किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी दोस्त को आप ऐसे गिफ्ट भी इस स्टैम्प को दे सकते हैं। तो फ्रेंड आप इस स्टैम्प को जरूर कलेक्ट कीजिएगा या फिर अपने फेवरेट कलेक्शन में आप इस स्टैम्प को जरूर ऐड कीजिएगा। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो एक नया अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में एक नए स्टैम्प, एक नए मिनेचर शीट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, बाय।